एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बालों के लिए। हम अपने बालों को सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से कैसे काला बना सकते हैं। दोस्तों, प्री मैच्योर हेयर से बहुत सारे लोग परेशान हैं, ग्रे हेयर से बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखिए, उम्र के साथ साथ ना बाल सफ़ेद आते ही आते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन हम इस पर कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। प्री मैच्योर हेयर जो हैं उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मेरी 50 की उम्र है और मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं और अभी इसको काला कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, है ना। जैसे अभी मेरी एज है, मेरी एज के अंदर अगर आपके बाल सफ़ेद आना शुरू हो गए हैं, मेरे भी आ गए हैं कुछ कुछ, तो हम उनको कैसे नेचुरल वे से काला कर सकते हैं। केमिकल से भरे तो बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारी मेहंदी, बहुत सारे डाई है, मार्केट चले जाओ भरी पड़ी है कि भाई मेरा तो बस मैंने कुछ अभी एक दो डाई के बारे में ऐसा भी सुना है कि उसको जस्ट शैम्पू की तरह लगाना है और बाल काले हो जाते हैं। मुझे नहीं पता सच में है या नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है, तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ऐसा सीरियसली होता है। तो आप देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि 20 मिनट मेहंदी लगा के रखनी है ना, तो वो डाई के अंदर और जो डाई आपके शैम्पू करते करते बालों को काला कर दे, कितना केमिकल होगा उसके अंदर, आपके बालों की धज्जियां उड़ाने वाला है ऐसा केमिकल। तो मैं तो कहूंगी इसे तोबा कीजिए और ऐसा नुस्खा यूज करें जो बहुत ही नेचुरल हो, दादियों नानियों परदादियों का हो और हमारे आयुर्वेदा में हो, और साथ साथ कोई केमिकल लोचा ना होने की वजह से आपको कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। एंड स्कैल्प को बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है दोस्तों? इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर तो देखो हमारे पास होता ही होता है, अगर नहीं भी होगा ना तो मार्केट से यूज़ करना, मार्केट से लेना, लेकिन कोई अच्छे ब्रांड का आप लीजिएगा। अगर नेचुरल तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं इंडिगो पाउडर, तो उसके अच्छी तो कोई बात होगी ही नहीं। तो आपने इंडिगो पाउडर अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का वो लेना है। अगर आप हो सके तो ऑर्गेनिक यूज़ करें। ऑर्गेनिक इंडिगो पाउडर जो होता है बहुत अच्छा होता है, कलर बहुत अच्छा भर के देता है ना। आपने देखा होगा कि हीना जो है वो रेडिश कलर देती है ना, महरून सा कलर, रेडिश सा कलर आपके बालों में शो होता है। और जो इंडिगो कलर है ना, वो ग्रे आपके बालों को, नॉट ग्रे, इट्स ब्लैक करता है आपके बालों को, और जो इंडिगो है वो आपके बालों को काला करता है। तो आपने करना क्या है, ये नहीं है कि पूरी रात उसको पूरी रात पानी में भिगो के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और छोटे जल्दी से रेडी होने वाला नुस्खा है ये। तो आपने करना क्या है, आपकी एज कोई भी है, आपको सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए हैं, आपकी दाढ़ी में है, आपके बालों में है अगर सफ़ेद बाल, तो आपने क्या करना है, कटोरा लेना है बालों की लेंथ के हिसाब से। जैसे मेरे मीडियम हेयर है, तो मैं इस हेयर के हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको कम से ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बालों के लिए लेना है, मैंने 4 चम्मच भर के, 4 चम्मच पूरे बालों में, अगर आपके बाल सफ़ेद है तो, मतलब कहीं कहीं पे भी लग रहा है कि पूरे बालों में अप्लाई करना पड़ेगा नुस्खा ये, है ना। तो आपने क्या करना है, 4 चम्मच जो है वो आपने इंडिगो पाउडर के लेने हैं। इंडिगो पाउडर के अंदर आपको क्या डालना है, आपको कोई भी एसिड वाली चीज़ नहीं डालनी है, लेमन या कोई और चीज़ नहीं, आपको इसमें क्या डालना है वो बताती हूँ। 1 चम्मच आप इसके अंदर डालने वाले हैं रीठे का पाउडर। तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच रीठे का पाउडर डालना है। 4 चम्मच आपके इंडिगो पाउडर हो गए, 1 चम्मच रीठे का पाउडर डाल देना है, और साथ में ही 1/2 चम्मच इसमें आपने नमक डालना है, नमक, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त सोचेंगे यार नमक डालेंगे तो बाल सफ़ेद हो जाता है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कौन सी किताब में और कौन से नुस्खे में ये पढ़ लिया है कि नमक से बाल सफ़ेद होते हैं। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, नहीं है ऐसा। मेरे ढेरों सारे रेमेडीज़ हैं, मैंने खुद यूज़ कर करके आप लोगों को पकड़ा दिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी ये डाउट है ना कि नमक से बाल सफ़ेद होते हैं, तो भाई लोग ये वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और अपने अपने घर जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियो देखने का, ठीक है। लेकिन जो लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है और जो लोगों को पता है कि नमक से बाल सफेद नहीं होते, वो टिके रहिएगा और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो 1/2 चम्मच आपने इसके अंदर नमक डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बालों में अप्लाई करें। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट तक बालों में अप्लाई करके रखना है, उसके बाद इसको धो लें। शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है, कंडीशनर बिल्कुल नहीं करना है, नेक्स्ट डे आपको बालों में शैम्पू करना है। बालों में एक अच्छा सा कलर आएगा अगर आप डेली इसका यूज करते हैं, तो देखिएगा रिजल्ट कितना धमाकेदार आपको मिलने वाला है। एक भी ग्रे हेयर बालों में नहीं रहेगा और बाल एकदम से नरेश होकर आपको मिलेंगे। बालों की जो बढ़ने की ग्रोथ है वो भी जल्दी से बढ़ेगी। ट्राई करके जरूर देखना, रेमेडी अच्छी लगी है तो मुझे भर के थैंक यू कर देना एक नीचे, या फिर एक बड़ा सा थम्स अप दे देना, बस हौसला मिलता है, पैसे वैसे नहीं इससे मिलते, ठीक है। मिलती नए वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।